अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा महरा, और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। ओए मौले जट तो बाद तेरे तंजो मजा दा मजा आ गया ए बम्ब जो गया। बहुत शुक्रिया आपका, अगली बात मैं कर लूं? अगली तो भी अगली कर ले, ऐसी केड़ा सुननी है। तो दिनों रात किसी भी बड़े घर में या किसी बड़े बाप का बेटा होना जो है वो कोई बहुत कमाल की बात नहीं है। असल कमाल की बात यह है कि बड़े बाप का बेटा होने के बावजूद आप अपनी मेहनत और अपनी लगन से अपना अलहदा मुकाम हासिल करें। ओए ये डके छुपे अल्फाज में क्यों बोल रहे हो, सीधी तरह बोल क्यों नहीं देते कि सनी देओल साहब आए। ओए आपकी बात नहीं कर रहा मैं। सही गल है, ताड़ी गल होई नहीं रही जनाब सनी साहब। खुदा दा खौफ खाओ, शुक्र करो ताड़ा इना ना बन गया। पहलियां दो फिल्मा च यदि हवा निकल गई सी भाई जान। अच्छा, वो ते दे प्यो ने दोबारा रीलॉन्च किया, नहीं तो इन्हें भी मझा पट्ठे ही पाया करने से। सनी देओल साहब आए हैं, जा जाके अपने वालां चो जुआ कड बंब जो गया। एक जू पहले भी कड़ी उन्हें, हुण नूरी नत बनी है। सानू गल्लां कर रहे हैं, नवा आया है सुनया। ये तैनू लियाया मैं, लियाया मैं डायरेक्टर दा बेटे गरम जौहर। गरम जौहर गरम आंडे ते सुने सन, गरम जौहर पहली बारी सुनया है। ओए ये ढाई किलो का हाथ है कातिया। बकवास बंद करो, कोई हाथ ढाई किलो का हो सकता है? शर्म नहीं आउंदी तेनू, तीन पा दे हाथ नू ढाई किलो दा कहंदे आ बंब जो गया। लिया तेरे हाथ दा कीमा करा, टोटे टोटे कर दे आ तेरे हाथ दे मैं। हाय हाय हाथ दा कीमा कीता होवे विच निकी निकी पिंडी। ओए ये मजदूर का हाथ है कातिया। तेरा अपना किथे वे? ये मजदूर दा हाथ है, तेनू वापस कर, मामा दिहाड़ी करन तो बैठा है। तू इत्थे मजदूर का हाथ है केड़ा रखे हाथों का खब्बा के सजा। मजदूर दा हाथ ही लेके आ गया है, हैं? थोड़ा दिन आजाद धूप सड़ी के सनी देओल से आपकी मुलाकात हुई, नूरी नत साहब भी यहाँ मौजूद है और गरम जौहर भी हैं, लेकिन वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपका तारफ करवाने का। हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं, बहुत बड़ी शख्सियत के आप होनहार बेटे हैं, आपकी क्रेडिट में लाजवाल फिल्में हैं, लाजवाल ड्रामे हैं, आपकी बहुत सी तालियों में दीवान एंड ओनली हैदर सुल्तान राही। अरे वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू। क्या बात है, आज हैदर सुल्तान राही नू वेख के सुल्तान राही दी याद आ गई है नूरी नू। ग्रेट सुल्तान राही कला पूरी चाहिए। नाले नूरी तेनू यह नहीं कहना चाहिए कि हैदर सुल्तान साहब नू वेख के राही साहब की याद आ गई है, तेनू कहना चाहिए हैदर साहब नू वेख के राही साहब के ठुड्डे याद आ गए ने। और बहुत पए ने। ओए बड़ी जोड़ी जमदी सी साड़ी। तो आदरणीय दादा जो हमारी दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, सोशल मीडिया में इनके बहुत से फॉलोअर्स हैं, आप मॉडलिंग की दुनिया में बहुत नाम कमा चुकी हैं, आपकी बहुत सी तालियों में जावेरिया जावेद। वेलकम वेलकम। हैदर मियां ये बताइए, लगता है कोई फिटनेस का बहुत बड़ा गुरु आपके हाथ में आ गया, आप ये थे और आज माशाल्लाह आप ये हो गए हैं, क्या कर रहे हैं कुछ हमें भी बताइए। देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो डिमांड हो जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है करने के लिए। बॉडी बिल्डिंग बस स्टार्ट की हुई आजकल, ऑन ऑफ चलती रहती है। ओके। और जो फिल्म कर रहा हूँ उसमें वाकई बॉडी बिल्डिंग है या चीज बर्गर का कमाल है? चीज बर्गर का भी है, बॉडी बिल्डिंग का भी है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो फिर आप WWE में जाएं, अंडरटेकर से आप लड़ें। इंशाल्लाह मेरा एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, उसमें अनकरीब ये चीजें उतरनी है, तो इसलिए थोड़ी तैयारी शारी कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। ओके, आपको लगता है कि आज की हीरो के लिए फिटनेस जो है बहुत बड़ी डिमांड है? जी बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है, फिल्म के लिए भी वैसे जरूरी है, आम जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा लंबा जीना चाहते हैं आप तो अपने को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, आपको फिट रहना जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हैदर के करियर में बहुत उतार चढ़ाव आया। बिल्कुल, मतलब एक बहुत यंग एज में आप इन हुए फिर आप आउट हुए, लेकिन एक चीज सीखनी चाहिए हैदर से, मुस्तकिल मिजाजी वो रखी इन्होंने, और आज देखिए माशाल्लाह हम बात भी करेंगे, बहुत ज्यादा फिल्मों में आप काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ऐसी है, लगा हूं मेहनत कर रहा हूं। दोबारा फिल्मों रिवाइव हो रही है जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम लोग ट्राई करेंगे दोबारा से इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त
काफी सारा काम कर रहा हूँ, मोर देन 8 फिल्म्स मेरी अभी अंडर प्रोडक्शन चल रही है। वाह। अच्छा देखो तुसी हैदर भाई पिछले 25-30 साल तो काम कर रहे ने, लेकिन इन्हां दे कैरियर दी सब तो वड्डी फिल्म मेरी होनी जे गर्म जौहर दी। वो कौन सी? मैं नवी फिल्म बना रहा भाईजान नूं हीरो लैके, पुत्र मौले दा खुन्ने खोलेगा। वाह भाई वाह, गरम जौहरा ते उहदे विच नूरी नत दा की रोल रखिया ई बंब जोगिया। नूरी फिल्म तेरे तो शुरू हो रही है। अच्छा, इंज करके फ्रेम खुलिया ते तेरा जनाजा पिया। जनाजे दे उत्ते रोना पिटना शुरू हो रहा है, फिर तेरे पुत्र ने फैसला कीता है कि मैं मौले दे पुत्र को बदला लेना है। अच्छा। कट करके विखाया कि भी मर गया। ओए भाई, होर गल्लां दियां गल्लां, तेरे स्क्रिप्ट ते डायरेक्शन दा दुर फिटे। ओए तुम फिल्में बनाते हो या मुर्दे नलाते हो? ये कैसा बंदा है यार, मैं मुर्दे नहीं नुआंदा भाईजान, मैं फिल्म बना रहा, मेरी फिल्म अपनी है, मैं टाइम ला दो काश बेटे। काशी पुत्र है ते कर रहे ने बकवास। अच्छा, तो तुसी कर लो। मैं ये बकवास कर रहे ने ते तू केड़ा कोई जंतरी पढ़ के सुना रहे हैं। यार काशी अपना छोटे हैदर भाई को टाइम ले दे, मैं विचो तेरी दिहाड़ी ला देंगा, छड़ दे 35,000 रुपया तेरा होएगा शिफ्ट दा। एक सेकंड यार, मुझे शो तो शुरू कर लेने दो। यार तेरी शू शां तो मैं बड़ा तंग, अल्लाह दी कसम। देखो बहुत जरूरी है जवेरिया, ये बताइए कि ये जो दवाखाना की मशहूरियों में मॉडल्स काम करते हैं, लड़के लड़कियां, क्या उनको भी हम मॉडल्स ही कहें? डिपेंड करता है कि वो एड में किसको लेते हैं। अच्छा। सही मॉडल्स को लेते हैं या फिर ऐसे ही किसी को ले लेते हैं। 4-5 मशहूरियां अगर कोई कर लवे कुड़ी या मुंडा ते अद्दा हकीम ते वो आप बन जाते हैं। ये बताइए कि जब कोई टीवीसी या कमर्शियल आपको ऑफर होता है तो आप क्या चीज देखती हैं? कंटेंट देखती हैं, प्रोडक्ट देखती हैं, या फिर चेक देखती हैं कि कितने पैसे मिलेंगे आपको? सब चीजें देखी जाती हैं। सबसे ज्यादा क्या देखती हैं आप? कंटेंट भी देखा जाता है और हर चीज, लेकिन चेक भी देखा जाता है ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं क्या काशिफ भाई बेटे, तू मान या ना मान, तेरी मॉडल उठा डा लग रही है, हाथ नहीं खोलन रही हो। सिर्फ मॉडल नु नहीं लग रही, एंकर नु भी लग रही है। एंकर इन्ने पैसे लंदा थलो बनान क्यों नहीं पांदा? अच्छा देखा ही गया है कि मॉडल्स हो या एक्टिंग हो या कोई भी फील्ड हो शोबिज में, खासतौर पे फीमेल्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। घर की परमिशन का चैलेंज होता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर जाके कोई मुकाम मिलता है। आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी थी, स्टार्ट में मुझे मेरी फैमिली से परमिशन नहीं मिलती थी। पापा नाराज हो गए कि आपने क्यों स्टार्ट किया है, और शीशा आपको कहता होगा कि आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये शीशा बहुत बुरी चीज है, शीशा मेरे बच्चे भी पीने लग पे ने की तो अंदर समय पर। ओए शीशा देखने वाला। अच्छा मैं क्या गुड़गुड़ गुड़गुड़। अच्छा आप बता रही थी। तो बस इस तरह से फिर स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता सबने देखा तो ऑब्वियसली फैमिली खुश तो होती है। अच्छा देखा ये गया कि एक्टिंग के जरासीम जो हैं वो महसूस होते हैं कि बचपन से ही हैं जी। क्या मॉडलिंग के जरासीम भी बचपन से ही होते हैं? एक्टिंग ते मॉडलिंग दे जरासीम दा ते नहीं मेनू पता, लेकिन मेरे कोल एक जरासीम बैठा। ओए मेरे एक्टिंग के जरासीम मरे हैं लेकिन दूसरे जिंदा हैं। ओ यार तुहानू मैं दसां काशिफ बेटे, असल च एक्टिंग दे जरासीम मेरे च भी बहुत ज्यादा सन। अच्छा, पर मेरे ना एक ट्रेजेडी हो गई। क्या? ओ जेड़ा साबण 99% जरासीम नहीं मारदा, मैं ओदे नाल ना बैठा, फिर ओ मेरे नाल एक्टिंग दे जरासीम भी लै गए। अच्छा बता रही थी कि एक्टिंग में अभी तक मैं उस तरह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा, बट आई विल। शौक है, टाइम नहीं मिल रहा कुड़ी, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नहीं, वो कैट वॉक करती हैं, ये गीदड़ वॉक करते हैं। अच्छा भैदर भाई है ते गल्लां होंदियां रहणगियां, मैं तुसी दसो कि तुहानू आईडिया कैसा लगा पुत्र मौले दा खुन्ने खोलेगा? देखिए पहला वाला जो टाइटल है ना वहां तक ठीक है, गुड। और बाकी मैं आपके शो के हवाले से एक अनाउंसमेंट भी करना चाह रहा था। बकिया इन्होंने बकवास की है, पहला वाला टाइटल ठीक है? पहला टाइटल ठीक है, बकवास नहीं जी, आईडिया है। हम लोग अब इंशाल्लाह ताला अनकरीब पुत्र मौले जड्डा जो फिल्म है वो लोग बनाने जा रहे हैं। ओके। और नासिर अली साहब ने लिखा है उसको, और हमारे प्रोड्यूसर उनसे हैं चौधरी यकूब साहब, वो उसको प्रोड्यूस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो आपको हम लोगों ने ट्राई ये किया कि अगर मौला जट के बराबर ही बना देंगे ना तो लोग नहीं मानेंगे, उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आएंगे तो लोग उसको मानेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर्स हैं वो उसका बहुत खुश हैं मेरे से इस बात को लेकर कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं काम खुद कर रहा हूँ। और गेटअप जो अब आप मेरी फिल्म इंशाल्लाह ताला छोटी पे भी रिलीज़ होने वाली हैं, 4-5 रेडी पड़ी हुई हैं रिलीज़ होने के लिए, उसमें मेरी एक फिल्म है इश्तिहारी डोगर नाम है उसका, इश्तिहारी डोगर और उसमें यही बात एक्सप्लेन की गई है कि लोग इश्तिहारी कैसे बनते हैं। एक अच्छी सेंटिमेंटल फिल्म है, एक्शन भी है उसमें, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें जो गेटअप है वो आपको अबू जी की 80s की फिल्मों का एक याद दिलाएगा फिर से। बड़ी गल है जे पुत्र मौले जट दा दोबारा बन रही है, तेदा मतलब है वे के नूरी नत भी दोबारा खड़ा करेगा जी, ऐड की करेगा लेकिन दिल वाले अस्पताल च। तो दिन ज्यादा इससे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा।
वेलकम बैक नाजरीन। ओए बम जुग गया और तेरी लैन है। आई नो वेरी वेल बम जो गया। ओए लैना गड्डी दियां हुंदियां ने नूरी दी कवाड़ी कवाड़ी। ओए जेलर साहब किसे नू कहो के इस ताउन दा वल कड़े आहर ए तरती नूरी नत दे लऊ दा रंग कदों वेखे। ओ वाह 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 नूरी मैं कह तेरी ताउन दा वल ते नहीं निकलना, किस दिन टाइम कट के मैं ताउनी कट देनी है। अच्छा नूरी भाई तू हर वेले कुआड़ी क्यों फड़ी फिरदा यार, इस टाइम को शूटिंग हो रही है। ओए गैस भी महंगी है उतो LPG भी महंगी है। ते नूरी नत ने कुआड़ी लकड़ियां वड्ढण वास्ते रखी है सोनिया। ओए फाड़ दूंगा काट दूंगा, ये 2.5 किलो का हाथ लकड़ियां काटने के लिए काफी है। ते जा फिर वंड के ले आ। सनी बेटे 2.5 किलो का हाथ मिल सकता है? क्यों मैं आजम मार्केट मंगया करना है साथ नाल। हैदर ये बताइए कि आपका बेशतर जिंदगी का हिस्सा जो है वो अमेरिका में गुजरा जी, और अभी भी आप आते जाते हैं, तो काम करने के लिए आपने लॉलीवुड का इंतखाब क्यों किया? मुझे शुरू से पाकिस्तान आना अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ की मिट्टी में खुशबू खिंच यहाँ की है, मुझे आना अच्छा लगता है। और मैंने आजकल तो मिट्टी में बहुत स्मोक आ गई है। कट गई बारिशें हो गई हैं बारिशें। मैनू अमेरिका भेज दियो, मेरा ख्याल है मैं तो उदों जावांगा जदों उत्थे भी बुरखे चल पे। और इसने ये कुल्हाड़ी लकड़ियां काटने के लिए नहीं, खारिश करने के लिए रखी है। अच्छा, मैंने वैसे बहरहाल ये किया था कि अपना मैंने एक्टिंग स्कूल पे ज्वाइन किया था। okay. उसके बाद जब पाकिस्तान आया तो मेरा था यहाँ पे मैंने एक आधी फिल्म करनी है, देन आई एम गोना गो बैक टू हॉलीवुड, मेरा ये माइंड सेट था। लेकिन जब यहाँ पर मैं आया तो मैंने पहली फिल्म अबू के साथ ही मैंने की, तो मुझे लोग आके मिलते गए, पैसे पकड़ाते गए, जी हमारी फिल्म। शूटिंग जब पैकअप हुई तो मेरे सेक्रेटरी ने मुझे कहा जी कि हमारे पास आपको पता है कितनी फिल्मों ने साइन की? मैं कह मुझे तो पता नहीं, मैं शूटिंग में काम थे। कहते 15 फिल्में साइन की हम लोगों ने एक दिन में, अल्हम्दुलिल्लाह। कि इंटरनेशनल एक्सपोजर है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे कंपेयर करते हैं जो लोकली हमारा इस रीजनल फिल्म बन रही है, कैसे देखते हैं इसको? आई थिंक इम्प्रूवमेंट की जगह काफ़ी सारी है हमारे पास। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला अब ये है कि काम चल पड़ा है उस तरफ। चार बहन भाई हैं आप? फाइव, 2 sisters and 3 brothers। अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ आप फिल्मों में क्यों आए, बाकी क्यों नहीं आए? बचपन से शौक था। मैं बाकी समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट की बात है कि एज एन एक्टर मैं अगर अब देखता हूँ पीछे मुड़ के कि मैंने सुल्तान राही साहब के साथ एज एन एक्टर काम किया है। अरे वाह बेटे, काशी बेटे, कुछ जरूरी नहीं होता कि फैमिली च 5 भैन भरा आने, तो तुम कल क्यों आए इंडस्ट्री से? ऐसा देखो माशाला 17 भैन भरावं सी। अच्छा। मैं कला ही आया फील्ड च, बाकी सारे मकई भुनते हैं। बेसिकली आप भी मकई भूनने का काम ही करते हैं, ये डायरेक्शन आप पार्ट टाइम में करते हैं? की कह रहे हो, मैं डायरेक्टर हूं पाकिस्तान का बड़ा। जे मकई भुनन दा काम करदा है ते दे प्यो ने भी मकई ही भुनी है। वैसे ये बात सही कह रहे हैं, 17 भैन भरा ने उन्हें एक दिन नहीं भुनी। ये बात जो है ना, मैं आज रिकॉर्ड पे लेके आना चाहता हूँ कि मैंने सुल्तान राही साहब की फिल्म जो है बहुत लेट देखनी शुरू की, लेकिन इत्तेफाक था एक हसीना 420 उनकी एक फिल्म थी और नजरुल इस्लाम साहब ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो मैंने जब पहली दफा एम्बियंस देखा उस एक्टर का, मुझे आज तक याद है कि एक मैट्रिक का स्टूडेंट था उस वक्त, और हमारे स्कूल में उस वक्त ओपिनियन कॉपी जो है ना वो देते थे, लोग अपनी अपनी कॉमेंट्स लिखते थे, तो उसमें एक टाइटल होता था योर फेवरेट एक्टर, तो मैंने वहां लिखा था द ग्रेट सुल्तान राही। इसी वजह तो मैट्रिक च सप्ली आ गई सी। नहीं, वो वजह कोई और थी। सुल्तान राही को हम सिर्फ एज एन एक्टर याद नहीं करते, एज अ ह्यूमन, एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान। हर किसी ने जिंदगी में जाना है, लेकिन जिस वक्त उनका रुखसती का वक्त आया और देखा ये गया कि तब पता लगा कि सुल्तान राही साहब कितने बड़े इंसान थे और कितने लोगों के साथ उनका ताल्लुक था, और बहुत ही स्पेशल ताल्लुक था। ये हर किसी के नसीब में ये बात नहीं आती। उस कुड़ी नल भी गल कर ले बंब जो गया, नहीं तो उन्हों अब्बासियां आ रही नहीं। जमाइयां ले रही है। ओए बंब जो गया कभी चंगी गल भी सुन लिया कर, ओदे उत्ते भी ताली मार लिया कर। ताली मार दियो नहीं तो रुस जांदा है। जल्दी ये बताइए कि क्या आपके माइंड में है फिल्म में काम करना? आप फिल्म में काम करना चाहती हैं एज अ हीरोइन? यस। किस किस्म की फिल्में आप करना पसंद करेंगी? रोमांटिक, एक्शन, ड्रामा, ट्रेजेडी, आप क्या समझती हैं कौन सी फिल्म आपको सूट करेंगी? फिल्म्स का तो अभी तक मैंने नहीं सोचा। अच्छा। लेकिन ड्रामा का प्लान है। अच्छा, ड्रामा का, फिल्म का नहीं है? पहले आपने कहा हाँ फिल्म का है। ऑब्वियसली जब मैं ड्रामे में जाऊंगी, एक्टिंग में जाऊंगी, तो फिर फिल्म में तो ऑटोमेटिकली। तो आप वो खेतों में डांस कर लेंगी? नहीं, डुप्लीकेट करा लेंगे। और वैसे भी जो जो फिल्म के हीरो होते हैं वो हीरोइन की तरफ देखते नहीं है, वो दूसरी तरफ देखते रहते हैं और बेचारे उधर नाचते हैं। वो रियल में भी ऐसे ही करते हैं। मैंने कास्ट करना चाहूंगा, मैं घातक 4 बना रहा हूँ, उसमें हीरोइन को मारना है।
अच्छा ओके वैसे देखा ही गया है आप दोनों से ये सवाल है कि आजकल कॉमेडी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है फिल्म्स में और कॉमेडी फिल्म्स बहुत ज्यादा बिजनेस भी कर रही हैं आपको क्या लगता है कि आपको किसी कॉमेडी फिल्म में स्टार्ट लेना चाहिए या किसी ट्रेजेडी फिल्म में या ड्रामे की बात कर लेते हैं चलें कॉमेडी का तो वाकई आजकल है क्योंकि लोग भी पसंद करते हैं एज अ फैमिली मे भी आप उसको देख सकते हो तो वो मे भी मैं स्टार्ट उसी से लूँ अच्छा अगर मैं अगर फिल्म में इनको कास्ट करूँ ना फॉर एग्जांपल तो मैं इनको लेकर आऊंगा आपने कर तो नहीं लिया फिल्म में कास्ट मैं अभी मुझे लग यही रहा डिस्कशन क्या फिल्म में कास्ट कर चुके हैं डिस्कशन हमारी चल रही थी इस बारे में कि एक प्रोजेक्ट हमारा अनक्रीप स्टार्ट होने वाला है जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि एक सॉफ्ट फिल्म एक रोमांटिक फिल्म कॉमेडी के साथ हम प्लान कर रहे हैं तो उसमें शी फिट्स परफेक्टली इन दैट रोल मैंने कहा अगर शी इज इंटरेस्टेड तो कर सकते हैं वाह वाह तो मैं इनको पूरा एक पंजाब के कल्चर के हिसाब से इनको तैयार करके लेकर आऊंगा उसी शलवार कमीज के और परांदे में नहीं बताना चाहता अच्छा ये भी मुझे वैसे बता चुके हैं सारी डिटेल तो ये चीज है तो मैं यही कहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ पे अगर पंजाबी फिल्म बने तो उसमें कॉमेडी भी होनी चाहिए सिर्फ कॉमेडी ही नहीं होनी चाहिए कॉमेडी भी होनी चाहिए रोमांस भी होना चाहिए ड्रामा भी होना चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए पंजाब का कल्चर की पेंट करोगे ना ये बाबा दिशाला लगा होएगा सिर चो सरो गई है ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਕੇ ਰਹਿਣ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸੀ ਮੈਜਿਕ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈਗਾ ਟਿਊਬਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਚ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਫਿਲਮ ਚ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀਮਾ ਗੁਰਦੇ ਬਣਵਾ ਲਓ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ फिल्म होती है सिर्फ एक्शन आप गायल देख लो आप गातक देख लो जिद्दी देख लो तुम और हालात देख लो जेड़ी औरत नु बुढ़ापे च तलाक होवे ना वो इंज दी हो जाए जी भैया देखा ही गया कि टिकटॉक जो एप्लीकेशन है इस पे बहुत से लोग जो है ना खुद साख्ता हीरो बने बैठे हैं क्या कहेंगे आप उन हीरो और हीरोइंस के बारे में नहीं मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती नहीं कुछ तो कहिए देखें ये सबका एक शौक है अगर उनको शौक है वो अपनी स्किल्स दिखाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है आप टिकटॉक पे हैं मैं हूँ कितने फॉलोअर्स हैं आपके मेरे इतने ज्यादा नहीं है मैंने अभी रिसेंट टिकटॉक पे मेरा अकाउंट प्राइवेट था मैंने अभी रिसेंट उसको पब्लिक किया है तो इट्स बीन अ मंथ अच्छा मेरे अभी 53k और समथिंग है वेरी गुड है समझो एक और बढ़ गया ये एक नहीं दो तीन ओ ते चौथे नु भूल गए हो अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਪਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਜੋ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਪੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਖੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੈ ਯੈਸ ਜਵੇਰੀਆ ਕੀ ਆਡੀਓ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਅੰਮੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ मैं शोर हूँ बस मैं शोर हूँ हैदर एक नई इस्तेलाह आजकल सुनने को आ रही है टिकटॉक स्टार्स जी क्या फ्यूचर देखते हैं आप टिकटॉक स्टार्स का जैसे भी आप देख रहे हैं ये ऑब्वियसली बात है कि टाइम पास है फिलहाल मतलब कुछ लोग देख रहे हैं कुछ लोग उसका भी ये चल रहा है आने वाले साल में कुछ नई चीज़ आ जाएगी तो ये टेम्पररी फेम है खत्म हो जाती टाइम आपको लगता है कि टिकटॉक पे जो है कोई सीरियसनेस नहीं है एक बिलो द लेवल या बिलो द बेल्ट भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं आ रही हैं मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ तो मैं किसी को बुरा नहीं कहती टिकटॉकर टिकटॉकर ही है वो स्टार नहीं बन सकता हु इज़ योर फेवरेट टिकटॉकर टिकटॉकर होना चाहिए काशी बेटे तू सुने नहीं बंदा टोकरा खा खा के बड़ा स्टार बनता है टोकर नहीं आप बताइए हु इज़ योर फेवरेट इन टिकटॉक आई एम माय ओन आपके अलावा मेरा कह दो मैं वेले बैठे थे कह दो गर्म जौहर मेरे बड़ा पसंद है गर्म जौहर जिनको मैं जानती हूँ कवल मुझे अच्छी लगती है okay. कवल आफ्ताब शी इज माय फ्रेंड और उनके हस्बैंड ज़ुल्करनैन ही इज नाइस अच्छा बट कवल ज्यादा अच्छी है व्हाट अबाउट हरीम शाह हरीम शाह टिकटॉक से पहले भी काफी सारी चीजों में इन रही है आई गेस आने वाले वक्त में लेट्स सी वो आगे क्या करती है आप वही करना उन्हें जो पहले कर रही उन्हें कुछ चाहिए नहीं देना अच्छा हैदर भाई तुसी बढ़िया बढ़िया फिल्मा कीतिया ने लेकिन मेरे वर्गा ज़हीन डायरेक्टर तुहानू नहीं मिलया तुसी सोच नहीं सकते कि मैं तुहाडे कोलों की काम लेना उफ माशाल्लाह की लेना मैं पेट्रोल पंप ते लेना यार मैं डायरेक्टर हां मैनू पता है केड़े एक्टर ते किन्ना वजन पाया जा सकता ओदे कोलों केड़े ओदे पोटेंशियल बाहर ले आने तुसी तुहानू पता नहीं गल दा ऐदे भी बाल लवाओ इनू होश आवे कोई तुम डायरेक्टर नहीं फोरमैन हो चुप कर ओए भंब जो गया हिन्नियां गल्ला ना कर एडे बड़े एंकर दे सामने ओ शुक्रिया आपने मुझे बड़ा एंकर का
वड्डे तो मुराद 90 साल दा सी खवाती नवजात नहीं नहीं इंजरी 90 साल दा खंक है खवाती इनकी झूठी और बकवास बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक कहीं मत जाइएगा आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा जी तो नाज़रीन वेलकम बैक इस वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जला खवातीनो हजरात दिमाग की बत्ती जलाओ ते खुदा दा वास्ता जे दूध च पानी पाओ केमिकल ना ऐसी चीजा ना पाओ लोगों के बच्चे बचाओ ते हलाल खाओ बिल्कुल और दिमाग की बत्ती जलाओ और खास तौर पर वो लोग जो कि दो नंबर मेडिसिन बेचते हैं उनसे रिक्वेस्ट है खुदा का वास्ता है ये जुल्म मत करें अपने दिमाग की बत्ती जलाएं और सही काम करें दवाइयां ते इन्नियां दो नंबर आ रही ने कल मैं सिर दर्द दी गोली खादी है अच्छा गोली खांदे आ मेरी दर्द बद गई सी कल फिक्की सी लेकिन ला लई लेकिन तुम्हारा हमें इन फिक्कियों की आदत पड़ चुकी है हम आगे चलते हैं दिमाग की बत्ती जलाओ भाई हम आपसे छोटे छोटे सवाल करेंगे चार ऑप्शंस देंगे आपने उनमें से एक को सिलेक्ट कर लेना है देखते हैं कि हैदर सुल्तान राही की दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है लग तो रहा है कि बहुत ज्यादा रोशन है क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग है इनके पास देखते हैं पहला सवाल इन चारों फिल्मों में से किसी एक का रीमेक करना हो तो किस फिल्म को तरजीह देंगे ऑप्शन नंबर 1 ग्लैडिएटर ऑप्शन नंबर 2 टाइटैनिक ऑप्शन नंबर 3 बाहुबली एंड ऑप्शन नंबर 4 मक्खन गुज्जर आई थिंक आई वुड गो विद द टाइटैनिक अच्छा उसका रीमेक रीमेक पहले ठीक नहीं बनी थी ए जरा ठीक करके बनाएंगे ना रीमेक से इन अ सेंस आई वुड पुट समथिंग सम मोर थिंग्स इनटू इट ओके यस जब तुम दोबारा बनाओगे ना जी जी काम करना जी एक दो सीन जब करने ना मैंने कोल खिला रहे वही तो उसे कर रहे हैं मैं फिर दबाइए इनमें से किस चीज को उठाना आपके लिए ज्यादा मुश्किल है ऑप्शन नंबर 1 जिम्मेदारियों का बोझ ऑप्शन नंबर 2 महबूबा के नखरे ऑप्शन नंबर 3 बेगम के सामने सर और ऑप्शन नंबर 4 हेरोइन आई थिंक वो जो सर झुकाने वाली बात की है अच्छा वो ज्यादा मुश्किल है मतलब पॉसिबल ही नहीं है अच्छा तो यहां तो है कि बेगम के सामने सर उठाना ज्यादा मुश्किल है झुकाना उठाना अच्छा उठाना ओके 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 सर झुकाना हां अच्छा उठाओगे सर उठाओगे सर आई टेक दैट बैक ओके और वैसे भी आपके पापा के जमाने की हीरोइन तो बाकी जरा मुश्किल था उठाना उनको आजकल की तो आप उठाई नहीं आजकल दिए थे माशाल्लाह स्लिम स्मार्ट ने हीरो की जी डायरेक्टर भी चुक लेंदा मैं भी चुके ने पाए मैं दौरे बड़ी हीरोइन ना एडियां हौलियां आ रही ने के इंज करके सा लवो तो हीरोइन कंध च बज जाए और इतनी हल्की आ रही है इतना कम वजन है कि उनको तेज आंधी आ जाए तो कोई चीज पकड़ के खड़ा होना पड़ता है वरना वो उड़ के कहीं और जा सकती है ये जुगत सी हाँ जी कोशिश महसूस करी बड़ी सलीस उर्दू दी जुगत की थी है भाई बाबा अब मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगा आपने इनको पंजाबी फिल्मों के टाइटल देने ओके ठीक है जी पहला पर्सनालिटी मुस्तफा कुरैशी नमा आया सोने ओके मैं नमा आया लेकिन पुराने दी क्या बात क्या बात राही साहब की जिंदगी में एक अगर फिल्म बनाई जाए तो आपके ख्याल में राही साहब का कैरेक्टर किसको करना चाहिए चार ऑप्शन शान बॉम मराना बाबर अली या फिर हैदर सुल्तान राही आई थिंक मैं करूँगा खुद से करूँगा फिल्म साइन करते वक्त आप क्या चीज देखते हैं हीरोइन डायरेक्टर स्क्रिप्ट या फिर पेमेंट स्क्रिप्ट ओके पेमेंट पावे मिले बाद में ओके वो तो यकीनी बात है कैमरे ना मिले पेमेंट दे पीछे सानू पता कहीं खिची फिर दे एक्टर फिर पेमेंट आन जिन्ना नू नहीं मिल दिया हूँ ना दे हशर भी ओए मैं एक फिल्म का 100 करोड़ लेता हूँ तेरे सर में इतने बाल नहीं है जितने मैं पैसे लेता हूँ वाह वाह कोई अपने बालों से भी ला चार पैसे ज्यादा ना बोल वरना बिच्चों जोगी बार आ जाएगा ओए चटपन चौड़ चपन हो जा चटपन अच्छा जी पर्सनालिटी के नाम जी पंजाबी फिल्मों के टाइटल देने ठीक हो अंजुमन माही आवेगा ते फुलाना धरती से जावा ओके रीमा नच नच के यार बनावांगी ना हाँ ओके नच नच के यार बनावांगी हाय 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 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मैं नहीं आऊंगा मुझे क्यों निकाला मुझे क्यों निकाला इमरान खान आपने घबराना नहीं है आप देखते हैं कि आपके साथ बैठी हुई आपकी
नेक्स्ट फिल्म की जो हीरोइन है जवेरिया जावेद, उनका दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। चार ऑप्शन है, एक को आपने सिलेक्ट करना है। चार सिंगर्स हैं, वीडियो बना रहे हैं अपने गाने की, तो आपने सिलेक्ट करना है कि आपने किस पे काम करना है। आतिफ असलम, पहले तो ये बताइए जानती हैं उनको? हाँ बिल्कुल जानती हूँ। अली जफर, सज्जाद अली या फिर ताहिर शाह? अली जफर। ताहिर शाह कौन था? ताहिर शाह का मुझे पता नहीं, आतिफ असलम का पता है, अली जफर का पता है। ताहिर शाह वो सी जेड़ा हिट होने दे तवीज लिखदा सी। ओके अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इमरान खान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम इमरान खान है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। ओके मेहंदी के फंक्शन में कोई आपको डांस का कहे तो क्या कहती हैं? चार ऑप्शन दे रहा हूं आपको, शर्मा जाती हैं, हल्के फुल्के स्टेप कर लेती हैं, बर्मला इनकार कर देती हैं, या फिर अपनी यूएसबी दे देती हैं। हल्का फुल्का कर लेती हूँ। अच्छा स्टेप हल्का फुल्का। हाँ। साढ़े सामने कह रहे, वैसे यूएसबी पढ़ा दे ला, है जरा ला, चौथा है गाइस, ला जरा ला। इन चारों में से किसके साथ आप फिल्म करना पसंद फरमाएंगे? आमिर खान, फवाद खान, हैदर सुल्तान राही या फिर अमानत चंद? हैदर तो मेरे साथ बैठे हैं। अमानत चंद कह रहे हो? हैदर तो आपके साथ बैठे, उनके साथ तो आप नहीं करेंगी, बाकी फवाद खान। ओके फवाद खान, दिमाग छोटा लेकिन बत्ती बड़ी लगी है। वैसे तो आनु कहना चाहिए सी अमानत चंद। दोस्तों के साथ जब डिनर पे जाती हैं तो जब बिल देने की बारी आती है तो चार ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से आप बताइए आप क्या करती हैं। सबसे पहले पर्स उठा लेती हैं, वॉशरूम का बहाना बना के निकल जाती हैं, दांतों में तीली तीली मारने लग जाती है, या फोन को कान पे लगा के इधर उधर निकल जाती हैं। अच्छा मेरी आदत है, अगर जब भी मैं कभी गई हूँ बाहर तो मेरा मेरी कोशिश होती है बिल मैं दूँ। अच्छा। तो सबसे पहले मैं अपना पर्स उठा के मैं या तो साइड पे जाके पहले पे कर देती हूँ या फिर मैं करती हूँ। बहुत अच्छी पार्टी, इस गलते में खुशी हुई है, तो किस दिन आई ऐसी खाने थे। शॉपिंग के लिए आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? पेरिस, लंदन, दुबई या फिर मियो हॉस्पिटल के सामने लंडा बाजार? आई थिंक दुबई। अच्छा दुबई। अच्छा कभी लंडा बाजार गई हैं? हाँ बिल्कुल गई हूँ। अच्छा मैंने एक बार जिम जाना था अर्ली मॉर्निंग, तो मेरे शूज नहीं मिल रहे थे जिम वाले, और मैं उस टाइम बहुत जल्दी में थी, तो मैं निकली हूँ रोड पे एक रेड़ी थी, वहाँ से मैंने शूज लिया। आई वॉज शॉक्ड के वहाँ से मुझे आई थिंक 250 में मिल गए। ओके एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड। तो आपने शूज की बात की और लंडन बाजार ही है ना, तो मुझे याद आया इस वक्त वक्त हुआ है उसको बुलाने का जिसके शूज बहुत मशहूर है हमारे प्रोग्राम में। अच्छा। सुरों का पहरा बिठाने के लिए हमने बुला रखा है निमरा मेहरा को, आपकी बहुत सी तालियों में निमरा मेहरा। कहते हैं पता नहीं क्या, बिल्ला 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 बिल्ला। इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हैदर ये बताइए कि द ग्रेट सुल्तान राही साहब के साथ आपने कितनी फिल्मों में काम किया? जी मेरी अबू जी की इकट्ठी 5 फिल्मों में इकट्ठी की हैं अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह 70 फिल्म्स में कर चुका हूं काम। 70 फिल्म्स आप कर चुके हैं जी? वाह। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी सुल्तान राही साहब के साथ काम करूं, मैं उनका फैन था। हां जी हां जी, तेरी एक्टिंग देख के पता लगता है कि तू उनका कितना बड़ा फैन है। सारी जिंदगी तुम्हारे अबू ने भी पाकिस्तानी फिल्में कॉपी की थी, तुम भी। असल च ना हैदर भाई, मेरी बड़ी वड्डी ख्वाहिश सी कि राय साहब मेरी डायरेक्शन च काम करन, पर अफसोस जदों सुपरस्टार सन उदों मैं ना पिंडियों चक्री तक अच्छा वैगन च कनेक्टरी करदा सा। मैं डायरेक्शन च प्रोफेशनल आया नहीं सा। जी ये बताइए कि देखा ये गया कि जो फैशन में होते हैं या इंडस्ट्री में होते हैं उनकी शादी बहुत लेट होती है या वो छुपा लेते हैं, आपके क्या प्लान्स हैं शादी के बारे में? नहीं मेरा कोई लेट वाला प्लान नहीं है। अच्छा मेरा प्लान है इंशाल्लाह मैं इस साल में शादी कर लूंगी। ओके वेरी गुड, दसीदा हुंदा ना चेंज करके खजे का पैया। एक्चुअली मैं मॉडलिंग भी कर रही हूं और एक्टिंग में भी है, सब कुछ साथ-साथ। ओके नहीं एंकर नु दसीदा हुंदा चेंज करके खजे पैया ते डायरेक्टर ते मेरा दिल आ गया और मैं शादी करनी है। एड़ी केड़ी गल है यार बेटे, तू बच्चा है तन्नी पता लिया की हुंदा केमिस्ट्री। ओ जवेरी है अन्नी नहीं। बहुत अच्छे ते मेरा पासा नहीं हैगा। अगला सवाल यही है, अच्छा बताइए आप
छुप कर तो नहीं, मेरी मामा मुझे कहती हैं उठो प्लीज जाओ किचन में कुछ करो। तो आप क्या बना लेती हैं? अच्छा मैं सब कुछ बना लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा मुझे निहारी बहुत अच्छी बनानी आती है। ओके अगर आप कोई डिश बनाए तो कौन सी डिश सबसे ज्यादा खराब कर लेंगे आप? साग। हैदर ये बताइए कि शादी आपने इतनी लेट क्यों की? मेरा असल में अभी भी करने का प्लान नहीं था। अच्छा मानते हैं कि शादी लेट की है आपने? यस यस यस। मेरा और सलमान का आपस में एग्रीमेंट हुआ था कि जी कठी करेंगे तो अभी आप जीत गए, लेकिन ऑब्वियसली मेरी फैमिली ने मुझे एक टाइम में गिरा लिया करके। ये बताइए कि कैरियर में कितने स्कैंडल्स हैं या बनते बनते रह गए या बने या क्या हुआ? तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोई स्कैंडल बना नहीं कभी। तीन चार का तो मुझे पता है। नहीं वो भी खाली रूमर्स ही थे। जो स्कैंडल दुनिया ते अल्लाह माफी देवे मेरे बने ने हीरोइन के साथ। नहीं नहीं करप्शन दे। अच्छा पर गलत अंदसा तुहाडे शो दी वजह तो मैं ऐलान कर रहा मेरे ते जिन्ने भी करप्शन दे लोकां ने इल्जाम लाए ने ना सच्चे सन। स्कैंडल्स तो हमारे नहीं बनते क्योंकि हम एक्शन वाले लोग हैं, एक्शन वाले। और बेटे स्कैंडल उन लोगों के बनते ने जिन्हों का हेयर ड्रेसर कुछ चंगा हो। तू तो लगता मोची करो बाल सीधे करा के। अरे वाह 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 क्या कहने। बहुत शुक्रिया। आज तो रॉयल ब्लू नेवी ब्लू। क्या कर रहे हैं आप? ब्लू हा पानी 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 वो भी हो गए है कोई सखी जो बाबू के साथ सेकंड लीड में हीरो आ जाए। अरे आप हीरो आएंगे। देखिए बात सुनिए आज का जो जमाना आ गया है जी जी। हीरो को एक्टिंग आती हो या ना आती हो ओके उसकी बॉडी होनी चाहिए जो की आपकी नहीं है। अरे क्या बात करते हो सोना। ना 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 बाबे की बॉडी नहीं डेड बॉडी है। बाबे ने एवें नहीं डोले शोले बनाए। किते ए देख तो सही जरा हाथ से ला बेटे तू आप देख तेरे हाथ आ गया तो समझी डोले ही है। ये देसी क्यों है देसी क्यों और मेनू लगा नहीं लड़े है। इससे ज्यादा तो करिश्मा कपूर की बॉडी है। ये डेड बॉडी है डेड बॉडी। अच्छा बाबा जी ये डेड बॉडी है तो फिर फिल्म च ना आओ। अच्छा टाइम कट के मियाणी साहब आओ। गुड वन गुड वन। आंडे बेच आए जो भी साधु संत फकीर खबाबे पहुंचे बाबे हैं हैदर भाई दी ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह सारी नौजवानी स्लिम स्मार्ट गुजार दीती है ते हुण आ के वो ये ते पांच मण दा डोला हैदर का हाथ लाया ते सख्त कर ले सख्त कर ले। हैदर का तो सिर्फ बहाना है जाना तो आपको कहीं और है। थैंक यू रास्ता बताने का शुक्रिया। हेलो हेलो भाई जी 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 जी। बड़ी देर हो गई तो ने थे नाल बैठे हैं और मैंने पता तो ने इतनी देर नहीं लगती। लेकिन बाबे सेंटर में आ चुके हैं। आ जी जी वेलकम वेलकम। हाउ आर यू? आई एम गुड। निकम निकम डया डू जी ने थोड़ा माफ हो। जिमी मेरे को शर्म आ रही है ना। मैंने लगता मेरी फिल्म च आएगी। जो कि साधु संत वक्त कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बड़ा खराब हूँ। बाबा जी तुम चाहते हो ताड़ी फिल्म आ जाए? हाँ जी। अल्लाह करे जी सियासतदानों की आंदी ना इंज तुम्हारी भी आ जाए। सियासतदानों की तो फिल्म लीक होती है। हाँ जी देखना तो लीक ही होनी चाहिए। ओए नेशो मैं कुड़ी नु कास्ट करन नहीं आया। हाँ जी मैं उदा पर्स चुकन आया। लो जी सानू अजे ते पता लग गया मॉडलों दे पर्स है चुकदा। मॉडल दा पर्स चुकी है ना। हाँ जी पर्स खोलिए। हाँ जी ते बिचों इंज दे गिल्ले टिशू निकल दे। क्या बात की है यार। क्यों टिशू कभी इतना बड़ा हो सकता है? मुंह देखो उसका। देखो टिशू तो छोटा ही होता है डब्बा है। डब्बा है गौर ना वेख बेटे अब्बा है। अब अब अब्बा मेरा होवे बन तेरा जावे ते मन्ने जोगी या तेरे कमाल। अपनी बकवास आप करो। बाबा ये बड़ा अकेला बेचारा को फिल्म ही दुआ दियो इनू। मुश्किल है जो कि साधु संत फकीर खां बाबे पहुंचे बाबे हां बाबे ने अपने यार एक प्लीज यहां सांप मत निकालना। हैदर को बहुत डर लगता है सांपों से। नहीं हैदर साहब नु तो नहीं लगता होगा। लगता है डर सांपों से? नहीं नहीं ना लगता। लेकिन यहां निकल जाना मजा आएगा। वो जेड़े पियो दे पुत्र ने ना वो तो गंडासा मार के सब दी धौण ही ला देंदे सी। हाय हाय बस आज चले गए ने दुनिया तो होंदे ते उन्होंने जोगी दी भी धौण ला देनी। आपको शाम से डर तो नहीं लगता? लगता है। हमारे जोगी साहब शाम निकालेंगे। वाकई लगता है मुझे पहले आप बता दी जोगी साधु संत फकीर खां बाबे पहुंचे बाबे हैं बाबे ने अपने जादू टोने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हाल निकाले हैं। जोगी साधु संत फकीर बाबे पहुंचे बाबे अगर ये दोनों फोन इधर से गायब कर दें तो मानो जोगी या तेरे कमाल है। एक गायब हो गया।
वाकई बड़े सियाने ने कितने गायब हो गए उन्होंने बोला क्यों फोन चुके क्यों उन्होंने पता है बहुत सारे राज अफशा हो जाने ये यहाँ नहीं अनारकली में भी छुपाता है फोन वाह 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 वा, तू अनारकली नाड़े बेचना जो कि साथ तो संत फकीर हम आबे पहुंचे यार हमारी मेहमान है वो हैं हमारी मेहमान है तो मेहमानों की सेवा करना हमारा फर्ज है ना और पुत्र जरा सपा देख जरा वाह 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 बेटे चल जरा देख खूबसूरत मॉडल हैं क्या कहने एक्ट्रेस बनने जा रही हैं टिकटॉकर भी हैं वाह वाह देख मैं कवर तो नहीं कर रहा तू मैं इस गल नु कवर कर रहा हूं यार आज कवर ना कर आज देख तो सही माशाल्लाह क्या पर्सनालिटी सिक्योरिटी गार्ड लग रहे ने अच्छा सलमान खान सिक्योरिटी गार्ड बन जाए वो ठीक हम बने तो गलत ओदे कोलो पिस्तौल चल जांदा ते तुहाडे वर्गे सिक्योरिटी गार्ड कोलो एंड टाइम ते बंदूक फस जांदी अच्छा ये हो जे गार्ड कोलो पिस्तौल च गोली फस दे ना ते एंड की गाला कड्डन खलोता डी मैं जो कि साधु संत फकीर हां बाबे पहुंचे बाबे हां सियाने कहंदे नहीं कि छप्पां दे पुत कदी मित नहीं हुंदे चुलियां दुध पियाइए ते सानू किसे ने की कहना पावे सड़क ते बह के नाइए है कि नहीं बाबा देख जरा देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर शाम निकालने जा रहा है बाबा ए चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छुछड़ा का दागड़ 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 दिन तखरियां बोतल खरियां बोतल सुचियां बोतल आंखों सुनने बिन पूत पाद बिन तुरबत सुन आराम मिलके सब रहने के चल जम पुना ए तुरबत तक दिन जंडे चार तुरबत तक दिन जंडे चार दादर गिड़ दादर गिड़ दादर गिड़ दागड़ दिन ता आ सब निकले नहीं आला फिर मुछा निकलिया ने मुछा ये किस लिए हाय 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 दौर ऐसा आ गया अदम बर्दाश्त दा जिदे अल जरा दो मिनट नजर पार के वेखो वही मुछा नु वट देन लग पे किसे नु याद ही नहीं कि ह्यूमैनिटी की चीज है इंसानियत किसे कहते हैं बच्चा जब मिट्टी नरम होती है तो फसल बनती है वाह सोना नरम होता है तो जेवर बनता है और अगर दिल नरम हो तो इंसान बनता है तो अपने दिलों को नरम रखना चाहिए बर्दाश्त करना चाहिए आसपास के लोगों को है कि नहीं टॉलरेट करना चाहिए तेनू की हो गया नशा पा गए है कि नहीं वाह 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 वा, वा। जोगी शेर सुनाओ बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं ओहो बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं वाह वाह जी वाह फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर आहा कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं वाह 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 भाई बहुत आला क्या बात है Aidan, thank you so much. It's a pleasure कि आप हमारे शो में आए. Thank you, Jhaveria. आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया. खवातीन और हज़रात, ये था आज का तंज़ो मज़ा. देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा. पाकिस्तान जिंदाबाद.